हरियाणा में प्रदेश चुनाव समिति की आज अहम बैठक है। आज और कल प्रदेश चुनाव समिति की यह बैठक होगी। गुरुग्राम में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। सीएम नायब सिंह सैनी इस दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत अन्य बीजेपी के नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। तो आज और कल प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक, गुरुग्राम में ये प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हरियाणा में हो गया है। 1 अक्टूबर को सिर्फ एक चरण में चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हैं। और इन सबके बीच अब पार्टियों की तैयारियां भी देखी जा रही हैं। प्रदेश चुनाव समिति की बड़ी बैठक काफी अहम माना जाएगा। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। शिखा, चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, तमाम तैयारियां अब सभी दल करते हुए नजर आएंगे, और इन सबके बीच प्रदेश चुनाव समिति की ये अहम बैठक, क्या कुछ जानकारी फिलहाल? ये चुनाव में बहुत कम समय रह गया है और लिस्ट जो है प्रत्याशी की वो अब तक जारी नहीं की गई है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद कर रही है कि कुछ नाम जो भी फाइनल नहीं हुए शायद उस नाम पे भी मोहर जो है बहुत लग सकती है। और कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर जो है प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोनी इसमें शामिल रहेंगे, जैसे जलाल जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इस बैठक में शामिल रहेंगे, सीएम नायब सिंह सैनी, यानी हर एक वो बंदा जो पार्टी से लगातार काफी समय से जुड़ा हुआ है वो इस बैठक में शामिल रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि अब चुनाव को लेकर रणनीति बनाने की भी जरूरत है कि कौन से मंत्री किस समय हरियाणा में आके दौरा करेंगे, कौन कौन से मंत्री आएंगे, और अब कोई भी एक कहते जनता को स्कीम के बारे में लेके आएंगे, इन सब बातों को लेकर जनता को नहीं लुभाया जा सकता है। वो समय जो है अब चला गया है, 80% लग चुकी है, तो अब जो काम सरकार के द्वारा जनता के लिए किए गए हैं कैसे उसको जनता के बीच में लेके जाया जाए, जनता को दोबारा बताया जाए, तो कहीं ना कहीं उसकी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी बैठक में, आने वाले चुनाव को लेकर ही चर्चा की जाएगी। ठीक है, आगे होने वाली बैठक पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।